हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, सब पिता से बताएंगे, क्योंकि पिता को हमारा ध्यान है। हमें पिता से कुछ भी छिपाना नहीं है। जो भी दिन भर में पाप बल्ती गुना हुए हैं, सब पिता से बताएंगे मेरे प्रियो, ठीक है। इसके लिए हम सबको पवित्र बने रहने की आवश्यकताएँ हैं। यीशु मसीह भी आने वाले हैं मेरे प्रियो, ठीक है। तो हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊंगा मेरे प्रियो, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए तैयार रहिए और हर समय प्रार्थना में बने रहिए। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। पिता महान है, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। पिता पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। पिता जो आपने हम सबको पिता ज्योतों के बीच मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। पिता कितने तो होंगे पिता जो मर गए होंगे, अन्य जाति लोगों के होंगे, मर गए होंगे पिता, और नर्क में चले गए होंगे, बिना उद्धारी के मर गए होंगे पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, जो पिता आपने हम शवों को पिता ज्योतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो बीमार हैं पिता, अपनी बीमारी में ग्रस्त हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वे नहीं ठीक हो रहे पिता, आपके नाम से पिता वे चंगे हो जाए पिता, वे हील हो जाए इस मसीह आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अल्फा ओमेगा दुरांत है पिता। पिता जो हॉस्पिटल में बीमार हैं मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं मेरे पिता, किसी के पास पिता इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि अपना इलाज करा सके मेरे स्वामी, पिता आपके नाम से पिता वे हील हो जाए पिता, वे चंगे हो जाए पिता, ओ स्वर्ग की सामर्थ्य ब्लेसिंग छू ले पिता आपके नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक के पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे मालिक यीशु पिता आपको दिया गया है मेरे पिता। पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यास मेरे पिता आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं पिता। जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो डेंगू बुखार मलेरिया में पिता, दस्त में नाना प्रकार की बीमारी में लिप्त है पिता, वे नहीं ठीक होते पिता। जो इस वक्त पिता इस प्रार्थना को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रसीब करे पिता, उन्हें छू लीजिए पिता, वे हील हो जाए पिता, वे चंगे हो जाए आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं पिता, आप अल्फा ओमेगा दुरांत हैं पिता। मुर्दों को जिलाने वाले, अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़िये पाजों को शुद्ध करने वाले मेरे पिता आप हैं मेरे पिता। पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता, जो अपनी बीमारी को लेकर परेशान है, हताश है, निराश है, टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए पिता, बंद हो जाए पिता, उनका सुख आनंद में बदल जाए पिता, उनका सुख आनंद में बदलने पाए समस्या आपके नाम से पिता। अपनी करुणा के अनुसार पिता इन लोगों के ऊपर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर पिता, अपनी करुणा के अनुसार अपनी प्रजा के लोगों के ऊपर अनुग्रह कर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, जो गरीब है पिता, जो इधर उधर 100-200 रुपए पर पिता उधर हाथ फैला रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता ये अन्य जातियों के आगे इधर उधर हाथ ना फैलाने पाए मेरे पिता, ये किसी अन्य जातियों के आगे हाथ फिर भीख फैलाने ना पाए, भीख ना मांगने ना पाए मेरे पिता। पिता ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आपके आए हैं पिता, ये सबको छोड़ छाड़ के पिता आपके पीछे आए हैं पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे पिता। आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ वाले खोल दिए जाएंगे। यास मेरे पिता आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं पिता। जो गरीब है पिता, इनके घरों के ऊपर आशीष उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, ओ पिता आशीष उंडेल दीजिए पिता। पिता इनके हाथ मांगने ले नहीं पिता, इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया,
धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिन बहनों के पिता बच्चे नहीं होते हैं पिता परमेश्वर पिता, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम से पिता, रसोलियाँ कुछ भी नाना प्रकार की समस्याएं बीमारियाँ पिता, पिता उन्हें बच्चे दीजिए पिता, जैसा पिता अपने सारा को दिए थे पिता बुढ़ापे में मेरे पिता, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को दीजिए पिता जिनके नहीं होते हैं मेरे पिता, पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, होने दे पिता जिनकी शादियां नहीं होती पिता, जो शादियों को लेकर परेशान है पिता, हताश है, निराश है पिता, आपके वचन के मुताबिक पिता अच्छा सा रिश्ता आने पाए पिता, अच्छा सा जीवन साथी मिलने पाए पिता, और आपके वचन के अनुसार पिता अपना जीवन हिसाब किताब से बिताने पाए मेरे पिता। हालेलुया धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र पिता, जिस प्रकार से आप पवित्र हैं मेरे पिता, उसी प्रकार से पिता हम सबको भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके पिता, आपके स्वर्ग में जाने के लायक बन सके पिता, क्योंकि पिता जब आप अपने दूतों के साथ आएंगे पिता, तो आप उसी को लेकर जाएंगे पिता जो पवित्र होगा, जो संसार से निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा पिता, जो निष्पाप होगा पिता, आप उसी को लेकर जाएंगे मेरे पिता। पिता आपने कहा तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ पिता, आपने साफ साफ पिता अपने वचन में कहा है मेरे पिता। पिता आपने कहा है उस रात दो मनुष्य खाट पर सोते होंगे, एक को उठा लिया जाएगा दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा दूसरे को छोड़ दिया जाएगा मेरे पिता। आपने कहा है उस दिन दो मनुष्य खेतों में काम काज कर रहे होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा दूसरे को छोड़ दिया जाएगा मेरे पिता। पिता आप हम सभी के पापों को गुनाहों को माफ करें पिता, क्योंकि पिता हम मनुष्य जाति हैं पिता, हम निर्बल हैं पिता, हम पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं पिता, इसलिए आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। यास मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता हम सभी के पापों को क्षमा करें मेरे पिता। पिता आप दोपहर से तीसरे पहर तक पिता क्रूस पर लटके रहे पिता, और पिता आपने ये भी कहा हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्षमा कर दे पिता, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें मेरे पिता। पिता महान है, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पिता मालिक आपको दिया गया है मेरे पिता, आपको दिया गया है पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रसीव करे पिता। जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता उन्हें अच्छी सी नींद, मीठी सी नींद दीजिए पिता, उनके चारपाई के आस पास आपके दूध का बड़ा बांध देते हैं मेरे पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू न घबराना। यास मेरे पिता इस वचन के द्वारा पिता इन सबों की सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना है पिता। पिता ये छोटे से व्यक्ति आपके जलाली सामर्थ्य जीरा बहु नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।